आफ्टरनून दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में अपने ऑटोमोबाइल चैनल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कैन सिस्टम के बारे में। कैन की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कैन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। कैन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो गाड़ियां शुरू में बनती थी उनमें 25 से 30 किलो के आसपास सिर्फ वायर का वजन होता था, जिसकी वजह से गाड़ी का वजन अधिक हो जाता और हॉच पॉच ज्यादा होता था, मैशअप हो जाता था, वायर्स आपस में उलझ जाती थी और डाटा सिग्नलिंग में दिक्कत रहती थी, डाटा कटने का चांसेस होता था, वायर कट जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होती थी, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम को तब्दील करने की सोची जिससे कि हम वायर्स को कम कर सकें, अपने डाटा को सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकें और सटीक तरीके से पहुंचा सकें, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो शॉर्ट सर्किट की, डाटा मिसलीडिंग की। तो चलते हैं आगे कैन की तरफ। कैन बेसिकली धीरे धीरे करके तब्दील होता गया। पहले जो था कैन, शुरू में जब आया था तो वो पैरेलल फॉर्म में आया था, यानी कि जो डाटा ट्रांसफर किया जाता था वो पैरेलल फॉर्म में किया जाता था। एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर तक पहुंचने के लिए हमें सेपरेट वायर देनी पड़ती थी, दो दो तीन तीन चार चार वायर हमें सेपरेट देनी पड़ती थी। यानी हमें जो सेंसर से वायर्स आ रही हैं वो हम ईसीएम को देते थे और जो हमें उसका डाटा ट्रांसफर करना होता था उसके लिए हर कंपोनेंट के लिए दो दो वायर, तीन तीन वायर हमें सेपरेटली जोड़नी पड़ती थी। तो वो पैरेलल सिस्टम था इससे पहले जो चलता था। अभी हम लोग जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली अगर हम ईसीयू की बात करें, एक मैंने डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। अगर हम ईसीएम से स्टार्ट करें तो ईसीयू के दो वायर आपकी जाएंगी कैन में और वही दो वायर आगे जाएंगी एबीएस में, दो वायर ईपीएस में, फिर टीसीएम में और फिर बीसीएम में। तो हमारी जो वायर्स ट्रांसफर होंगी वो दो दो वायर के थ्रू आपस में ट्रांसफर होती जाएगी। लेकिन डाटा अगर संकेत भेजा गया है ईसीएम से तो वो डाटा ट्रेवल करता हुआ हमारे बीसीएम तक पहुंचेगा या टीसीएम या फिर ईपीएस या एपीएस। बेसिकली जितने भी हमारे पास कंट्रोलर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कैन के थ्रू हम वायर को ट्रांसफर करते हैं। तो बाकी कंट्रोलर के बीच में कैन होता है ईसीयू और बाकी कंट्रोलर के बीच में कैन जो है एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। यानी कि अगर हमारे पास 25 कंट्रोलर हैं तो 25 कंट्रोलर का जो डाटा होगा वो कैन के थ्रू ही ईसीयू से होता हुआ हम तक पहुंचेगा। तो हमारा डाटा हम तक पहुंचता कैसे है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए हमारे पास जितने भी कंट्रोलर होते हैं उन कंट्रोलर के अंदर कैन रिसीवर और कैन रिसीवर लगे होते हैं। कैन रिसीवर हम लोगों ने हर कंट्रोलर में लगाए होते हैं। इसके अलावा इसको, इसके जो डाटा हम लोग भेजते हैं उसको एनकोड और डीकोड करने के लिए भी हमने रिसीवर लगे होते हैं। कैन रिसीवर इसमें हमारे लगे होते हैं, वो कैन के अंदर भी पाएगा और आपके ईसीयू के अंदर भी होता है, अदर कंट्रोलर में भी आपको ये रिसीवर मिल जाएंगे। तो अगर हमने डाटा ईसीयू के थ्रू टीसीएम को भेजना है या हमें बीसीएम को भेजना है, बीसीएम में बेसिकली क्या होता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में हम लोग जितने भी बॉडी के कंपोनेंट होते हैं ये एक्चुएटर्स होते हैं, उनको एक्चुएट कराने के लिए हम लोग डाटा लेते हैं या उसके थ्रू हम लोग प्रोसेस करवाते हैं कंट्रोलर के जरिए। तो मान लीजिए हमने ईसीयू के थ्रू डाटा ट्रांसफर किया बीसीएम को, तो जो डाटा यहाँ पे आएगा वो कैन को जाएगा। कैन में कैन रिसीवर होता है, कैन रिसीवर उसको एनकोड करेगा, चेक करेगा कि भैया ये डाटा हमारा है कि नहीं है। अगर वो डाटा हमारा नहीं है तो वो आगे पास करेगा। एबीएस कंट्रोलर भी यही करेगा, आगे चेक करेगा वो डाटा उसका नहीं होगा। ईपीएस को, ईपीएस सेम पोजीशन लेगा, वो भी चेक करेगा नहीं है उसका, टीसीएम को भेजेगा, टीसीएम का डाटा नहीं है वो टीसीएम को सेंड करेगा। कहने का मतलब एनकोडर और डिकोडर जो हमारे कैन रिसीवर लगे होते हैं वो चेक करते हैं और ये बताते हैं कि जो डाटा बीसीएम का है वो हमारा नहीं है, इससे वो जानकारी ले पाते हैं कैन एनकोडर और डिकोडर रिसीवर के जरिए। तो इसका काम इस प्रकार से चलता है। उसके अलावा इसमें जो होती है दो दो वायर के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में ही होती है। डाटा मिसलीडिंग, डाटा हमारा खो ना जाए, डाटा खराब ना हो जाए, उसको बेटर करने के लिए, वाइब्रेशन कम करने के लिए हमने ट्विस्टेड फॉर्म में वायर दी होती है। कई बार लोग इन वायर को आपस में जंप करवा देते हैं और वायर इसमें बीच में कट लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि डाटा हम तक
सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा दोस्त एक सिस्टम इसमें होता है कैन कंट्रोलर में, कैन हाई और कैन लो दो वायर चलती है, कैन हायर की एक वायर होती है और कैन लो की एक वायर होती है। कैन हाई के अंदर अगर आप देखें तो 2.5 वोल्ट चलता है और से कैन हाई के अंदर 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट चलता है। कैन लो के अंदर अगर आप देखें तो 2.5 से लेके 1.5 वोल्ट करंट चलता है। टोटल वोल्टेज जो होती है कैन की कंट्रोलर की वो 5 वोल्ट होती है। उसके अलावा ये जो सिग्नल भेजता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये जरूर ध्यान रखें। यानी कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में आता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाटा को आगे भेजेगा। उसके अलावा ओनली दो वायर्स इसमें ऐसी होती है जो सिग्नल को कंपोनेंट तक पहुंचाती है, उसके अलावा कोई और वायर नहीं होती है। इसके अंदर दो ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो कि सर्किट के अंदर कंट्रोलर एरिया में कहीं पे भी सर्किट के अंदर जो करंट एस्केप रह जाता है या बच जाता है उस करंट को हमें टर्मिनेट भी करना होता है, क्योंकि वो अगर पाथ के अंदर रन करता रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हमने दो रेजिस्टेंस लगाए होते हैं जिनका नाम होता है घोष रेजिस्टेंस। वो एंड के दो सिरे पे हो सकते हैं, जैसे कि कैन में हो सकते हैं या फिर एबीएस में या कहीं पे जहां पे लास्ट कंपोनेंट होगा वहां पे हम दे सकते हैं। तो जब रन करता हुआ कुछ करंट बच जाएगा तो उस करंट को वो रेजिस्टेंस जो है क्लोज कर देते हैं, यानी कि खा जाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम घोष रेजिस्टेंस दिया जाता है। कैन बेसिकली जब काम करता है तो कैन के अंदर हम लोग अगर देखें तो कैन के अंदर दो इमेज बनती है आमने सामने की जो कि मिरर इमेज होती है। इनका जो साइन होता है, इनका जो चार्ट होता है, जब भी ये रन करेगा आमने सामने सेम पाथ के ऊपर काम करता है। अगर वो ओके काम कर रहा है 2.5 से 1.5 के बीच में या फिर 2.5 से लेके 3.5 के बीच में अगर रन कर रहा है तो उस कंडीशन में मिरर इमेज क्रिएट करेगा। तो कैन का जो डाटा होता है अगर ओके है तो इस कंडीशन में काम करता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस कंडीशन में 5 वोल्ट शॉर्ट में दिखा सकता है कैन में। अगर वो मेन सप्लाई में शॉर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि 12 वोल्ट वो मेन वोल्ट में सप्लाई में शॉर्ट करेगा, उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो 2.5 वोल्ट दिखा रहा है इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आपस में दोनों वायर शॉर्ट कर गई है तो वो 2.5 वोल्ट दिखा देगी उस कंडीशन में। कैन की जरूरत जो है आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ जो होते हैं बड़े बड़े उनके अंदर हम लोग कैन का यूज करते हैं, फ्लाइट्स जो हमारे पास एरोप्लेन्स होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी कैन का यूज होने लग गया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास कम से कम 500-600 के आसपास कैन के सब डिविजन्स होते हैं जिनको जनरली यूज किया जाता है। तो कैन मेनली वायर्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो ये था आज का डिस्क्रिप्शन हम लोगों का कैन के बारे में। अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए इनबॉक्स में डालें तथा रिक्वेस्ट भेजें, जिससे कि मैं और नई वीडियो बना सकूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।